अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों लगातार काफ़ी कुछ दिनों से लेकर हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि हम हर मंडे को जो है किताब क्रिकेट का एपिसोड करते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए जो किताब क्रिकेट का एपिसोड था वो भी आज अपलोड नहीं कर सका। और जैसे कि संडे कमेंट बॉक्स हम चलाते हैं, उसमें काफ़ी सवाल आए थे, लेकिन मैं उन्हें कलेक्ट करके उस पर वीडियो नहीं बना सका, इसलिए मैं दोस्तों आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों इंशाल्लाह अब आपको जो वीडियोस हैं वो अपने टाइम पर मिल जाएंगी। सो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो उसका तो टॉपिक आपने देख ही लिया था थंबनेल पर कि आईसीसी ने T20 के कुछ नए रूल निकाले हैं, जो कि दो रूल निकाले गए हैं आईसीसी की तरफ से, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में क्रिकेट की ताज़ा तरीन न्यूज़ आपसे कभी मिस ना हो। दोस्तों सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आईसीसी ने ये रूल निकाला है कि जो T20 आईज होंगी अब, जो कि T20 चाहे वो आम मैच हो चाहे जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसी में खेला जाने वाले जो मैचेस हों, लेकिन अगर कोई भी मैच देखते हैं कि अगर जो है दोनों टीम की जो स्कोर है वो लेवल पर रहता है, यानी कि मैच को जैसे ड्राई किया जा रहा था, लेकिन अब मैच ड्राई नहीं होगा, लेकिन उसके बदले में सुपर ओवर खेला जाएगा। और दोस्तों सुपर ओवर भी अगर ड्राई हो जाता है तो सुपर ओवर में भी अगर दोनों टीमें एक जितना ही स्कोर बनाते हैं तो फिर से एक और नया सुपर ओवर खेला जाएगा, और बाउंड्रीज की वजह से किसी भी टीम को जो है मैच का विनर करार नहीं दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, ये जो चीज़ है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, क्योंकि अगर सुपर ओवर में कोई भी टीम 10 रन बनाती है और उससे पीछे बैटिंग करने वाली टीम जो है वो भी 10 रन बनाती है, लेकिन उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो इन्हें जो है मैच का विनर करार दिया जाता है, तो ये चीज़ थोड़ी गलत थी। लेकिन अब इस पर आईसीसी ने ये नया रूल निकाला है कि जब तक सुपर ओवर का नतीजा नहीं निकलेगा तब तक सुपर ओवर चलते रहेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे सेकंड जो रूल जो नया निकला है वो आईसीसी ने निकाला है कि जैसे कि आपने फाइनल में देखा था कि बेन स्टोक्स आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल 2019 में देखा था कि बेन स्टोक रनिंग कर रहे थे और उनको जो गेंद लगी थी और गेंद जाकर बाउंड्री के पार चली गई थी और एम्पायर्स ने उसे बाउंड्री करार दे दिया था, लेकिन अब ये रूल जो है चेंज किया गया है, क्योंकि फील्डर्स की जो फील्डिंग है उसमें उसको भी जो है इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन आईसीसी ने ये भी रूल निकाला है कि अब ऐसा नहीं होगा, और अगर कोई फील्डर अच्छा फील्डिंग करता है और उसके बाद बैट्समैन को गेंद लगकर वापस बाउंड्री तक जाएगी, या फिर मान लें कि किसी बैट्समैन को बॉल लगती है और वो दूसरी साइड पर चली जाती है, तो वो अगर बैट्समैन दूसरा रन्स भी लेगा तो वो भी काउंट नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये जो दोनों ही रूल हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आए हैं, बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या ये रूल्स पसंद आए हैं या फिर नहीं, आप हमें नीचे कमेंट पे ज़रूर बताएं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, और चैनल पर नए तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।